तो चलिए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इलाहाबाद बैंक का डेबिट कार्ड घर बैठे किस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना बैंक में एप्लीकेशन देने की जरूरत है, बस आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए। तो देखिए आपको ये ऑल बैंक ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग साइट खोल लेनी है इलाहाबाद बैंक की। तो देखिए कुछ जब आप खोल लेंगे तो कुछ तरीके का पेज खुलेगा। तो देखिए अब आपको पर्सनल बैंकिंग में लॉग इन पर क्लिक करना है, इसलिए क्लिक कर देते हैं। अब देखिए आपको लॉग इन में क्लिक करने के बाद देखिए लिखा हुआ है कंटिन्यू टू लॉग इन, कंटिन्यू टू लॉग इन पर क्लिक करना है। अब देखिए कुछ तरीके का पेज खुल गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। चलिए लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद दिखाता हूँ आपको क्या करना है। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि हम अपनी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एटीएम सर्विसेज, एटीएम सर्विसेज में क्लिक कर देना है। अब देखिए आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट, इसमें क्लिक कर देना है। तो देखिए डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट में क्लिक करने के बाद देखिए कुछ तरीके का पेज खुलेगा आपके सामने। तो देखिए सेलेक्ट अकाउंट नंबर में क्लिक करके आपको सेलेक्ट अकाउंट नंबर पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट कार्ड टाइप, हमें कार्ड टाइप में क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीन तरह कार्ड है, हमें जो भी कार्ड मंगाना है वो चुन लेते हैं। चलिए हमने चुन लिया है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या नाम चाहते हैं कार्ड पर, यहाँ पे आपको वो नाम डाल देना है और आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए सबमिट पर क्लिक करने के बाद दिखाता हूँ क्या करना है, चलिए कर लेते हैं। तो देखिए सबमिट में क्लिक करने के बाद देखिए कुछ तरीके पे खुल जाता है। देखिए यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, आपका जो भी कार्ड है यहाँ पे वो दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका जो नेम ऑन कार्ड है और यहाँ पे आपका फुल एड्रेस दिख रहा होगा। और सब फुल एड्रेस में दिखने के बाद देखिए आपको अपनी डिटेल चेक कर लेनी है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ तरीके पेज खुल गया है। देखिए आप लिखा हुआ है अकाउंट नंबर आपका, देखिए आपको कार्ड टाइप, नेम ऑन कार्ड, आपका एड्रेस, तो आपको ये कंफर्म कर लेना है। और देखिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया होगा, कंफर्म करने के बाद दिखाता हूँ क्या करना है, चलिए कर लेते हैं। देखिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया होगा, यहाँ पे ओटीपी डाल देना है, ओटीपी डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए ओटीपी डाल लेते हैं और सबमिट पर क्लिक करने के बाद दिखाता हूँ क्या करना है, चलिए कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ डेबिट कार्ड एक्नॉलेजमेंट। तो देखिए लिखा हुआ योर डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड, देखिए आप यहाँ पे अकाउंट नंबर होगा और ये देखिए अब आपका डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है और आपका डेबिट कार्ड आपके रजिस्टर्ड एड्रेस में भेज दिया जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर। तो इसी तरीके से आप भी अपना डेबिट कार्ड घर बैठे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को व्हाट्सएप पर भी शेयर करें। जो लोग नहीं जानते कि घर बैठे किस तरीके से डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट किया जाता है तो वो लोग भी कर पाएंगे, तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।